आरंभ होइगलानी कि शंखनाद सत हेउछि कि मालिका वचन सत हेब कि पंचसखाक अच्युत ठार हाड़ियागर ध्वंस होइजिब कि विश्व पाखेइलानी कि युद्धर समय हेब कि तृतीय विश्वयुद्ध भारतीय संस्कृति हेउछि युद्धर संस्कृति प्रत्येक युगरे रहिछि युद्धर स्पर्श कळीरे ध्वंस पाइजिब विश्व एकथा आमे कहुनु मालिकारे गोटी गोटी होई वर्णित होइछि युद्धर कहानी युद्ध निश्चित बोली महापुरुष माने शह शह वर्ष पूर्वरु मालिकारे लेखि देई जाइछंती जळीजिब विश्व निया पिंडुला वर्षा हेब निया वर्षारे लोप पाइब मानव समाज युद्ध केते बेले हेब केउ भळी हेब क्यों के उद्देश्य मध्य प्रथम युद्ध हेब क्यों समय क्यों मसीहार हेब ए सब कथा को अक्षर अक्षर लिखिदे जाइचंती महापुरुष जेमिती कि वैशाख मास रे फुटिब कई आषाढ़ मास रे फाटिब हुई दिन रे डाकिब श्रुकाल कुढ़ कुढ़ शब भासिब मशाणी रे शब पोड़ीबा बेले परिवार लोके पाखरे नथिबे 1999 मसीहार खंड प्रलय ठारु अजणा रोग कहुवा विश्व महामारी कोरोना पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र में मालिका वचन सबुबले सत होइछि जेमिति कोरोना महामारी परे एबे रूस आक्रमण आरंभ होइ जाइछि रूस युक्रेन महायुद्ध युक्रेन विरोध में रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध घोषणा करबा परे स्थिति सांघातिक होइछि युक्रेन उपरे रूस करिछि रॉकेट और मिसाइल माड़ युक्रेन भितरे पसी रूस दुईटी शहर को कब्जा करिछि एपरिकी युक्रेन राजधानी किव एयरपोर्ट निकटरे विस्फोरण मध्य करिछि भयरे जीवन बचाइबा पई युक्रेन वासी मेट्रो स्टेशन रे आश्रय नेउछंती खार्किव रे विस्फोरण रो दृश्य देखिबा को मिलिछि एपरिकी हावा डोनेक्स रो मरियुपोल रे मध्य विस्फोरण होइथिबा जणा पडिछि युक्रेन आकाश रे रूस युद्ध विमान पॉइंटरा मारुथिबा वीडियो सामना को आसीबा परे समस्तंक मनरे भय बढ़िछि रूस युक्रेन सैन्यंक एयरबेस ओ प्रतिष्ठान उड़ाई देथिबा बेले युक्रेन मध्य पालटा जवाब देछि विवादीय लुहानिक्स रे पॉइंटरा मारुथिबा रूस रो पांचटी युद्ध विमान को गुड़ी करी युक्रेन सेना खसाई देथिबा खबर मिलिछि केवल युद्ध विमान नुहे युक्रेन सेना रूस रो गोटिए अटैकिंग हेलीकॉप्टर को मध्य खसाई देछि एक घटना परे स्थिति आहुरी उग्र रूप धारण करिछि युक्रेन उपरे रूस रॉकेट और मिसाइल माड़ करिथिबा बेले एथिरे युक्रेन रो 40 सैनिकक मृत्यु घटिथिबा बेले 10 जण साधारण नागरिक प्राण हराइछंती एवं अनेक आहत होइछंती एनी दाबी करिछि रूस सेपटे जेते जहा हेले भी आमे रूस आगरे नयमु नहि बोली युक्रेन राष्ट्रपति कहिछंती।